कांटेक्ट में हैं आप लोग? बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं डीप फीलिंग्स उनका क्या है, वो आपको इस वक्त में क्या बोलना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी के मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें अभी इसी वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स व्हिच ब्रॉट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। वो बोल रहे हैं कि आपने बाकियों को इम्पोर्टेंस दिया इस रिलेशनशिप के जगह पे, जिसके लिए इस रिलेशनशिप में इतना डिस्टेंस आ गया है। आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द मोमेंट्स स्पेंट टुगेदर, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट मी। वो आपको ही दोष दे रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप वो सारे मोमेंट्स भूल गए हैं जो आप दोनों ने स्पेंड किया था, और इसलिए उनको लगता है कि आप उनको छोड़ दिए हैं। हो सकता है यही आपको छोड़ के गए हो, बट उनको बोलना यही है आपसे। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। आपको बोल रहे हैं कि आपको उन्होंने आप रिस्पेक्ट और वो केयर नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, और ये सब उनकी ही गलती है। आई नो माई मिस्टेक्स बट सॉरी दिस टाइम आई वुड नॉट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ ईगो। आप बोल रहे हैं, सो क्यूट बोल रहे हैं कि वो अपने मिस्टेक्स को जानते हैं, लेकिन उनका ईगो इतना ज़्यादा है कि वो ये सब चीज़ अभी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। उनको बोलना है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और ना ही इस रिलेशनशिप पे करते हैं, तो ये अच्छा है कि मूव ऑन हो जाए। Your dreams are different than my desires. Let's figure out together. अब move on होने के बाद उनको बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपके dreams उनके desires से अलग है, तो दोनों मिलके solve करते हैं, sort out करते हैं। चलिए अब एक last message निकाल लेते हैं randomly. I know you are very attractive and I don't deserve you. Last में वो बोल रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं और वो आपको डिजर्व नहीं करते, तो ये उनके हिडन कुछ फीलिंग्स है जो आपको इस वक्त में वो बोलना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय।